नमस्कार, किरण्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लग रही है ना हमारी की बहुत सुंदर और आकर्षक। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही स्पेशल टेस्टी स्वीट डिश केसर बादाम की खीर बनाने जा रहे हैं। इसे हम शाही खीर भी कह सकते हैं। इसे बनाना भी बहुत आसान है। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी रेसिपी अपलोड करूं उसे आप इंजॉय कर पाएं। तो आइए इस डेजर्ट को बनाना शुरू करते हैं। केसर बादाम खीर बनाने के लिए 1 लीटर मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया है और इसे मैंने उबाल कर रख दिया था। ये ठंडा हो गया है और आप देख सकते हैं कि इस पर कितनी मोटी मलाई बन गई है। 1 कटोरी बादाम है, इसे मैंने रात भर के लिए भिगो के रख दिया था ताकि इसके छिलके आसानी से उतर जाएंगे। 4 टेबलस्पून शक्कर है, थोड़ी सी केसर जिसे कि मैंने दूध में भिगो के रखा है, 1 चम्मच घी और 1 चम्मच इलायची पाउडर। सबसे पहले हम बादाम को छील लेंगे, मिक्सी के जार में डालकर 1/2 कप दूध डालकर इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे और दूध को उबलने के लिए रखते हैं। खीर बनाने के लिए कोई भी भारी पेते का बर्तन हम ले लेंगे, उसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे। फ्रेंड्स, ऐसा करने से दूध कढ़ाई में चिपकता नहीं है बिल्कुल भी। इसे हम पूरा इस तरह से फैला देंगे। अगर आप नॉन स्टिक बर्तन में बना रहे हैं तो फिर इस चीज की जरूरत नहीं है। हमने घी को बहुत अच्छे से फैला दिया है। अब इसमें हम दूध डाल देंगे। और इसे हम उबलने के लिए रख देंगे। मीडियम टू हाई गैस की फ्लेम को रखेंगे और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे ताकि दूध थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। तब तक हम बादाम छीलकर उसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं। दूध बहुत अच्छे से उबल गया है, उसकी क्वांटिटी भी थोड़ी सी कम हो गई है। 15 मिनट हो गए हैं हमें दूध को उबलते हुए। मैंने बादाम का भी ये पेस्ट तैयार करके रख लिया है, अब हम इसे भी डाल देंगे। और अब हम लगातार चलाते हुए इसे अच्छे से उबलने देंगे और कम से कम 10-15 मिनट हम इसे उबलने ही देंगे। और इसी में अब हम केसर वाला दूध भी डाल देते हैं ताकि इससे इसका कलर और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और बिल्कुल गैस की फ्लेम को हम स्लो रखेंगे और 10-15 मिनट लगातार रुक रुक कर इसे हिलाते रहेंगे ताकि दूध भी गाढ़ा हो जाएगा और हमारी बादाम भी अच्छे से पक जाए। देखिए फ्रेंड्स, 10-12 मिनट फिर से हमारी खीर को उबलते हुए हो गया है। पूरे टाइम ये आसपास जो मलाई इसमें चिपक गई थी इसे मैंने कुरेदते रहा ताकि हमारी खीर और भी अच्छे से गाढ़ी हो जाए। इसको पूरा कुरेदते रहे लेकिन लगातार इसे हमें चलाते रहे। आप देख सकते हैं कि हमारी खीर का कलर भी कितना सुंदर हो गया है और ये अच्छे से गाढ़ी भी हो गई है। मैं आपको किशमिश बताना भूल गई थी। मैंने दूध में किशमिश अलग से भिगा के रखी हुई है। कभी कभी किशमिश खट्टी होती है तो खीर फट सकती है, इसलिए मैंने उसे अलग से ही दूध में भिगा दिया था। और थोड़े से बादाम भी मैंने ऐसे कतरन कट करके रखे थे। मैं रिकॉर्डिंग के समय इसे आपको बताना भूल गई क्योंकि साइड में रखी हुई थी कटोरियाँ। अब इसमें हम कटे हुए बादाम डाल देंगे, शक्कर डाल देंगे। फ्रेंड्स, मैंने 4 टेबलस्पून शक्कर ली है। आप अगर थोड़ी सी कम या ज़्यादा पसंद करते हैं तो उस हिसाब से डाल सकते हैं। 1 चम्मच इलायची पाउडर। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और 5 मिनट लो फ्लेम पर इसे और अच्छे से हम उबलने देंगे। अच्छे मिनट मैंने इसे स्लो फ्लेम पर और अच्छे से पका लिया है। आप देख सकते हैं कि दूध की क्वांटिटी भी बहुत कम हो गई है और खीर हमारी उबल उबल कर अच्छे से गाढ़ी हो गई है। ये अभी ठंडा होकर और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। अब हम इसमें जो किशमिश हमने दूध में भिगा के रखी थी उसे भी डाल देंगे और गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं।
इसे हम थोड़ा आधे घंटे ऐसे ही ठंडा होने देंगे, फिर इसे 2 घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि खीर का सही मजा तो ठंडे में ही आता है और ये ठंडा होके और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमारी केसर बादाम की खीर बनकर बिल्कुल तैयार है। मैंने 2 घंटे के बाद में खीर को फ्रिज से निकाल लिया है और थोड़े सी बादाम कतरन से इसे गार्निश कर दिया है। आप देख सकते हैं कि हमारी खीर कितनी गाढ़ी हो गई है, देखिएगा, और ये ठंडी होने के कारण बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी हो गई है। और पूरे घर में केसर की खुशबू बहुत महक रही है, ये जितनी सुंदर दिख रही है खाने में उससे भी ज़्यादा लाजवाब है। हमने इसमें ना तो कंडेंस्ड मिल्क डाला और ना ही मावा, फिर भी हमारी खीर बहुत गाढ़ी और टेस्टी बनी है। लेकिन आप इसे टेस्टी तभी कह पाएंगे जब आप एक बार ट्राई करेंगे और टेस्ट करेंगे। तो अब आप जल्दी से इस केसर बादाम की खीर को बनाइए और कमेंट सेक्शन में आके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको खीर कैसी लगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ। समय निकालकर मेरी रेसिपी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।